ओके नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स 2018 ठीक है नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स 2018 ठीक है टारगेट फ्रॉम लाइक प्रिलिम्स एंड मेंस पॉइंट ऑफ व्यू बोथ इंपॉर्टेंट ये प्रिलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि नाउ द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू एडवांस इट इफ अ न्यूज की गवर्नमेंट हैज एडवांस्ड आई विल टेल यू इन द कमिंग लेक्चर्स या व्हेनेवर इट कम्स ठीक है तो so कि कौन से वीडियो में कौन सा लेक्चर है तो मैं आपको उस वीडियो का लेक्चर का टैग बता दूंगा तो नेशनल पॉलिसी ऑफ बायोफ्यूजी में 20% ब्लेडिंग में बाय 2030 एंड बायोडीजल बायोडीजल एंड एथेनॉल आर टू डिफरेंट थिंग्स ठीक है बायोडीजल इज इथेनॉल इज व्हाट इथेल इज बेसिकली अल्कोहल इथेनॉल इज अल्कोहल ठीक है एंड बायोडीजल इज अंप्लीटली डिफरेंट थिंग बायोडीजल इज नॉट एल्कोहॉल बायोडीजल इज वॉट बायोडीजल इज अ काइंड ऑफ इट रिप्रजेंट बायोडीजल केमिकली इज वेरी सिमिलर टू डीजल ठीक है बट इट इज ऑप्टेन फ्रॉम प्लांट्स लाइक जेट्रोफा है ना यू ऑल मस्ट बी नोइंग जेट्रोफा तो इस पेड़ से इस पेड़ को वेन बी ग्राइंड है ना तो बहुत जैसे बहुत सारे पेड़ों से सरसों से मस्टर्ड ऑयल बनता है वो खाते हैं वैसे ही जट्रोफा के जो फ्रूट है उसको ग्राइंड करने से हमें बायोडीजल मिलता है बायोडीजल इज अ केमिकली वेरी सिमिलर एलिमेंट लाइक कंपाउंड टू डीजल जो हमारा फॉसिल डीजल है उसके वेरी सिमिलर है ठीक है बायोडीजल तो इथेनॉल एंड बायोडीजल आर टू डिफरेंट थिंग ऑलवेज रिमेंबर द सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज वायबिलिटी गैप फंडिंग ठीक है व्हाट इज वायबिलिटी गैप फंडिंग ठीक है Of rupees 5000 crore over six years period 2019-24 second generation biofuels. This line has three important things, like for prelims point of view, this is very important. Along with this, take a viability gap funding and second generation biofuels. Take care. We'll be dealing with what are the first and second generation biofuels in subsequent slides. Take care. But what is this viability gap funding? िटी गैप फंडिंग में जब वन गवर्नमेंट इज श्योर कि सर्टेन प्रोजेक्ट इज इकोनॉमिकली फीजिबल बट ड्यू टू लैक ऑफ फंडिंग फॉरवर्ड तो वायबिलिटी गैप फंडिंग प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट ठीक है वायबिलिटी गैप फंडिंग इन द सेंस कि 40 परसेंट तक मैक्सिमम आप लोन के थ्रू आप गवर्नमेंट से लोन ले लो एंड फोर्टी परसेंट ऑफ द मैक्सिमम लोन ले सकते हो आप थोड़े प्रोजेक्ट कॉस्ट का एंड आप अपना प्रोजेक्ट पूरा कर लो एंड देन यू हैव टू रिटर्न दैट लोन इन इंटरेस्ट ऑब्वियसली यू हैव टू रिटर्न द लोन इन बोथ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट ठीक है तो हमने लास्ट स्लाइड में देखा कि क्या होगा इंटरेस्ट सबवेंशन ठीक है के थ्रू प्रमोट कर रही है गवर्नमेंट और उस पूरे उसका पूरा कॉस्ट कितना आएगा फाइव थाउजेंड करोड़ रुपीज़ ओवर सिक्स पीरियड ऑफ सिक्स ईयर पीरियड ऑफ ट्वेंटीन से ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव नेशनल पॉलिसी ऑफ बायोफ्यूल्स में जो दूसरी चीज है वो है कि टैक्स इन टैक्स इंसेंटिव देखे ठीक है हायर परचेज प्राइस देखे ठीक है हम इंसेंटिवाइज करें प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल एंड बायोडीजल बोथ टैक्स इंसेंटिव मतलब जीएसटी में लोअर रेट ऑफ बायोडीजल के ऊपर बायोडीजल को 5% जो टैक्स स्लैब है उसके 5% वाले सेक्शन में बायोडीजल को डाल दें या इथेनॉल को डाल दें तो, तो दैट विल अट्रैक्ट अ लोअर टैक्स ठीक है तो दैट विल ऑब्वियसली पुश द डिमांड एंड सर्टन सबसक्वेंटली द प्रोडक्शन ठीक है हायर परचेज प्राइस हायर परचेज प्राइस मतलब कि बायोडीजल इज बीइंग परचेस्ड बाय होम बायोडीजल हम तो परचेज करते नहीं हम तो अपने घर में लाकर मिलाते नहीं है तो प्रोसेस क्या है हायर परचेज प्राइस बाय ओएमसीज ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ऑल मार्केटिंग कंपनीज कौन-कौन सी हैं हिंदुस्तान पेट्रोलियम है, है ना और आईओसीएल

मार्केटिंग कंपनीज आर बिंग इंसेंटिवाइज ठीक है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज आयोसीएल इसको मान लेते हैं ठीक है और यहाँ पे शुगर डिस्टिलरीज है ना? Sugar distillery, sugar distillery या bio diesel, bio diesel manufacturing या इथेनॉल मैन्युफैक्चरिंग अब यहां से आयो सी एल करेगा ठीक है अब हायर प्रोक्योरमेंट प्राइस अगर रख दिया जाए इनका ठीक है अगर इनका प्रोक्योरमेंट प्राइस हाई रख दिया जाए तो ऑब्वियसली इन कंपनीज को बेनिफिट होगा है ना तो अगर तो उससे क्या होगा इन कंपनीज को इंसेंटिव मिलेगा कि ये ज्यादा से ज्यादा इथेनॉल प्रोडक्शन की कैपेसिटी को बढ़ा सके और क्या करना है इन कंपनीज को टैक्स इंसेंटिव दे दें है ना टैक्स इंसेंटिव टैक्स इंसेंटिव का मतलब क्या होता है अ लोअर टैक्स रिजीम कि फाइव जो जीएसटी का फाइव परसेंट का स्लैब है उसमें डाल दें ठीक है तो इससे क्या होगा इनके जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगा दैट विल बी ब्रॉड डाउन ठीक है तो ऑब्वियसली दे विल बी मेकिंग ह्यूज मार्जिन ऑफ लाइक ग्रेटर मार्जिन ऑफ प्रॉफिट ठीक है Fine. ये है और ये हो गया, तो ठीक ठीक है, है है, ये ये हो हो ना, और गया अब तो इनके लिए जो ये नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स क्या है <coughs> सप्लाई साइड पे ज्यादा फोकस है क्यों क्योंकि सप्लाई साइड पे कंस्ट्रेंट्स है ठीक है क्यों क्योंकि आई तो जो ऑयल बेचेगा कंज्यूमर तो वही खरीदेगा है ना ठीक है लेकिन इसके प्रोडक्शन को बढ़ाएं कैसे ठीक है प्रोडक्शन के टारगेट को बढ़ाने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा इथेनॉल प्रोड्यूसिंग प्रोड्यूसिंग चाहिए चाहिए होंगी होंगी बायोडीजल एंड शुगर डिस्टिलरीज जहां पे शुगर बनती है उनका बाय प्रोडक्ट हो सकता है इथेनॉल ठीक है उनका जो ब, शुगर इंडस्ट्री का शुगर इंडस्ट्री का एक बाय प्रोडक्ट है मुलासिस ठीक है अभी मैं आपको इसका फिगर दिखाऊंगा वट इज मोलासिस ठीक है दिस इज मोलासिस ठीक है मे बी आपने ऐसे कुछ लोगों ने देखा भी हो मोस्ट ऑफ दी लोगों ने नहीं ही देखा होगा दिस इज मोलासिस ठीक है इट्स अ बाइ प्रोडक्ट ऑफ बाइ प्रोडक्ट ऑफ शुगर इंडस्ट्री ठीक है बट दिस दिस कंटेन शुगर ठीक है विच कैन बी फर्दर केमिकली चेंज टू इथेनॉल ठीक है ये मोलासिस है ये कसावा है ये आप सबने देखा होगा ठीक है ओके okay. तो अगेन बैक टू दिस ठीक है तो अगर हम इन फॉर्म्स को इंसेंटिवाइज करें प्रोडक्शन इन फॉर्म्स के प्रोडक्शन को इंसेंटिवाइज करना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा हमें इनके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को रिड्यूस करना होगा सो दैट दे कैन मेक a better profit or obviously profit ka incentive jo hoga, that will drive them to manufacture more what bio biodiesel and ethanol Theke? fine higher purchase price tax incentives to biofuel now national policy on biofuels 2018 has also increased the scope for raw materials this is very important thing of first generation ethanol ठीक है अब हम देखेंगे फर्स्ट जनरेशन इथेनॉल और सेकंड जनरेशन इथेनॉल क्या होता है ठीक है एंड वट इज द क्लासिफिकेशन इन नेशनल फ्यूल्स ऑन बायो पॉलिसी ट्वेंटी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम विच ऑफ दिस इज अ फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल ठीक है बायोफ्यूल फेम स्कीम एनीथिंग दैट इज रिलेटेड टू रिन्यूएबल एनर्जी दैट बिकम्स ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट फ्रॉम यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है बिकॉज यूपीएससी हैज बीन है आस्किंग क्वेश्चन फ्रॉम दिस सेक्शन ठीक है

क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिक क्लासीफिक जो 2018 नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स है उसके हिसाब से ठीक है नेशनल पॉलिसी ऑन बायो फ्यूल्स आल्सो क्लासिफाइड नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स हैज क्लासिफाइड कि कौन कौन से फ्यूल्स को हम फर्स्ट जनरेशन बेसिक फ्यूल्स कहेंगे और एडवांस्ड फ्यूल्स ये दो क्लासिफिकेशन है ठीक है बेसिक फ्यूल्स होंगे फर्स्ट जनरेशन फ्यूल्स और बायोडीजल ठीक है फर्स्ट जनरेशन फ्यूल में क्या होगा बायो इथेनॉल बायो

NBP 2018 से जो पहले की पॉलिसी थी बायोफ्यूल्स पे उसमें यू कैन नॉट यूज शुगर केन शुगर बीट्स सॉगन स्टार्च कंटेनिंग फीड स्टॉक एंड डैमेज्ड फूड्स एंड सर्टेन ग्रेंस ठीक है और सरप्लस की कंडीशन में फूड ग्रेन्स को भी यूज नहीं किया जा सकता था ठीक है बट दिस दिस नाउ 2018 पॉलिसी हैज इंक्लूडेड ऑल दीस थिंग्स एज़ वेल ओके क्या रीजन था कि नहीं इंक्लूड करना ठीक है फूड सिक्योरिटी इशू बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है फूड सिक्योर शुगर के ऑलरेडी वी आर ऑब्जर्विंग कि शुगर के प्राइसेस कितने हाई हैं ठीक है तो फूड सिक्योरिटी इश्यूज क्रिएट ना हो अगर हम डाइवर्ट करते हैं इन क्रॉप्स को है ना या लैंड uh, पैटर्न को भी ऑल्टर कर सकती है अगर बहुत अच्छा प्राइस मिल रहा है इफ द परचेज प्राइस ऑफ बायो बायोडीजल इज वेरी गुड है ना तो जो डिस्टिलरीज हैं एग्जिस्टिंग डिस्टिलरीज हैं इस पॉलिसी के आने से पहले तक खाली वेस्ट मटेरियल अलाउड था एक्सेस जो वेस्ट मटेरियल था वही यूज कर सकते थे शुगर प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्री टू प्रोड्यूस वॉट बायोफ्यूल ठीक है लेकिन अगर शुगर से बेहतर कॉस्ट प्राइस अगर बायोडीजल का होगा है ना अगर शुगर से बेहतर का होगा तो ऑब्वियसली दे विल डाइवर्ट देयर एफर्ट एंड एनर्जी ऑन दिस ठीक है तो शुगर का प्रोडक्शन कम हो जाएगा दैट विल क्रिएट अ सिक्योरिटी इशू फूड सिक्योरिटी इशू ठीक है या अगर बहुत सारी कंपनीज डिस्टिलरीज ओपन हो गई एंड दे स्टार्ट परचेजिंग दीज थिंग्स स्टार्ट कंज्यूमिंग फीड स्टॉक डैमेज कॉर्न और ये सारी चीजें दैट कैन ऑल्सो लीड टू अ फूड सिक्योरिटी इशू ठीक है तो ये अलाउड नहीं थी इससे पहले वाली पॉलिसी में बट नाउ वी आर फूड सफिशियंट कंट्री आई बिलीव इवन यू वुड वुड बी बी हैप्पी टू बिलीव दैट स्टिल पीपल डाई ऑफ हंगर समटाइम्स बट एटलीस्ट ऑन द दीपर वी आर अ फूड सिक्योर कंट्री ठीक है ठीक है तो अब लेकिन इस पॉलिसी में अलाउ कर दिया है किसको? शुगर केन मुलासिज शुगर बीट सॉर्गम स्टार्च कंटेनिंग फीड स्टॉक स्टार्च कंटेनिंग फीड स्टॉक में क्या आएगा कॉर्न कसावा, है ना? एंड रोटेन पोटैटोज ओके रोटेन पोटैटोज इफ द क्वेश्चन इन प्रिलिम्स, फॉर एग्जाम्पल की द नेशनल पॉलिसी बायोफ्यूल्स हैज अलाउड कसावा कॉर्न एंड पोटैटोज टिक so, नहीं करेंगे क्यों क्योंकि रॉट एंड को स्पेसिफाई किया है पॉलिसी मेंजम्पन वेरी श्योर वाइलर है मोर यू प्रैक्टिस है मोर यू गेट यूज टू द कांड ऑफ क्वेश्चन फॉर दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू हैव टू डू इज यू वॉट यू हैव टू डू इज यू हैव टू प्रैक्टिस द प्रीवियस

And non-food biomass. Advanced fuel second generation biofuel is not creating a food security issue. Okay. You can see that none of these things are consumed directly anna? or indirectly also. This therefore is not a food security issue. Fine. This therefore is not a second generation biofuels, does not make a food security issue. But obviously, they are going to affect our food supplies by. बाई करके ये कैसे अफेक्ट कर सकता है अगर जो फार्मर्स हैं वो फूड की बजाय इन, इन चीजों को ग्रो करना स्टार्ट कर दें है ना या नॉन फूड बायोमास को ग्रो करना स्टार्ट कर दें है ना तो दैट विल ऑबियसली अफेक्ट अवर फूड 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 सिक्योरिटी दैट विल ऑब्वियसली अफेक्ट अवर फूड सप्लाईज ठीक है तो फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल्स डायरेक्टली आर इन कंफ्लिक्टर फूड सप्लाई हैंड्स क्रिएट वॉट फूड सिक्योरिटी इश्यूज ठीक है ठीक है बट सेकेंड जनरेशन बायोफ्यूल्स आर इन कंफ्लिक्ट विदर्न ठीक है ना लैंड यूजर्न इफ दे आर गोइंग टू ऑल्टर द लैंड यूज पैटर्न उससे क्या होगा हमारा जो जो लैंड दैट वॉज अर्लियर बींग यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स ठीक है दैट विल नॉट बी डाइवर्टेड टू प्रोडक्शन ऑफ नॉन फूड बायोमास

जैव ईंधन वातावरण अनुकूल फसल अवशेष निवारण योजना वातावरण मीन्स एनवाइ अनुकूल मीन्स अकॉर्डिंग टू या याडेप्टेड टू फसल अवशेष मीन्स क्रॉप रेसिड्यू क्रॉप रेसिड्यू ठीक है अभी दिल्ली में हर ईयर एवरी ईयर इन दिल्ली लाइक इन नवंबर दिसंबर दिस इशू ऑफ क्रॉप रेसिड्यू बर्निंग है ना स्टबल बर्निंग

शुगर कंटेनिंग कंटेनिंग स्टार्च ठीक है और यहां पे क्या है सेल्यूलोस के साथ ठीक है विच मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ठीक है अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज राजस्थान बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू इंप्लीमेंट नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स ठीक है अंडरस्टूड विल बी डीलिंग विद एन इंपॉर्टेंट प्रायर टू ऑल इश्यूज विल बी डीलिंग विद ऑलूज विद्सो है ना लेकिन प्रायर टू देम i want to <coughs> deal with this fiscal deficit frbm act what is fiscal deficit and frbm act why was this in news because what happened was india's fiscal deficit union government fiscal deficit has it has breached the 120% of annual budget okay? जो लास्ट क्वार्टर की रिपोर्ट्स हैं उनके हिसाब से इंडिया का जो फिजिकल डेफिसिट है दैट इज अराउंड 120 परसेंट ऑफ द एनुअल बजट एस्टिमेट बजट जो पूरे ईयर का बजट एस्टिमेट है उसका फिजिकल डेफिसिट का जो एस्टिमेट था ठीक है अच्छा फिजिकल डेफिसिट में दो चीजें हैं दो टर्म्स हैं यहाँ पे वाइड एंड टू रुपीज करोड़ ठीक है दिस इज एन एब्सोल्यूट फिगर ठीक है यानी हमारा फिजिकल डेफिसिट अभी कितना है नाइन पॉइंट फाइव थ्री लैख करोड़ दैट मीनस ओके न्यूज में अगर इफ यू रीड की इंडिया फिजिकल डेफिसिट रीचेज हंड्रेड ट्वेंटी परसेंट ठीक है तो वी विड की मतलब हंड्रेड ट्वेंटी परसेंट फिजिकल डेफिसिट क्या है ना कि है ना

ठीक है, यानी हमारी GDP का पूरा 4.6% है 9.53 लाख करोड़ पॉइंट ठीक है Great. और ये 120% किसका है? है, हमारा जो estimated, जो government estimate करती है. फिर उसके बाद देखो दो प्रकार के होते हैं बजटरी एस्टिमेट्स एंड रिवाइज एस्टिमेट ठीक है बजेमेट होते हैं जो गवर्नमेंट बजट के साथ रिलीज करती है कि हमारी कंट्री का फिजिकल डेफिसिट इस साल के लिए से फॉर एग्जाम्पल थ्री परसेंट होगा थ्री पॉइंट फाइव परसेंट होगा ठीक है तो थ्री फाइव थ्री पॉइंट फाइव परसेंट होगा बट जो हमारा अभी इस इस टर्म का क्या है हंड्रेड ट्वेंटी परसेंट जो है वो थ्री पॉइंट फाइव परसेंट का अगर इसको वन पॉइंट टू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो भी परसेंट आएगा वो हमारा करेंट फिजिकल डेफिसिट है वो तो क्या है हमारा करेंट फिजिकल डेफिसिट

ठीक है लेकिन जब ये कहते हैं कि विच इज नियरली हंड्रेड ट्वेंटी बजे का जो परसेंटेज था उसका हंड्रेड ट्वेंटी तो थ्री पॉइंट फाइव में वन पॉइंट टू का मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा वो फिगर जो है वो हमारी करेंट फिस्कल डेफिसिट है ठीक है तो इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि इन टर्म्स का इंप्लीकेशन क्या है और नाइन पॉइंट फाइव थ्री लाख करोड़ क्या है ज फोर पॉइंट सिक्स परसेंट ऑफ इंडिया का जो जीडीपी है टोटल जी हमारी इकोनॉमी का जो साइज है उसका फोर पॉइंट सिक्सेंट जो है ठीक है एक और इंपॉर्टेंट चीज है सी दिस इन मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी ठीक है दिस है थिंग्स आर प्रोग्रेसिंग थ्रू आउट दर ठीक है

एस्टिमेट हो गया है ठीक है पुअर रेवेन्यू अब उसका रीजन बेसिकली यही है कोविड सिचुएशन की वजह से रेवेन्यूज रियलाइजेशन बीन पुअर है ना अब इसका भी एक देखो ऑल थिंग्स इकोनॉमी में लिंक्ड हमारी सोसाइटी में लिंक्ड इसकी वजह से और क्या इशू हुआ है क्योंकि ही हुआ है तो स्टेट्स ठीक है वट इज फिजिकल डेफिसिट फिजिकल डेफिसिट का सिंपल फॉर्मूला ये है फिजिकल डेफिसिट का टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट माइनस ओके यहां पे रेवेन्यू नहीं है ये एक्सपेंडिचर है ठीक है फॉर एग्जाम्पल अगर गवर्नमेंट का टोटल एक्सपेंडिचर फॉर एग्जाम्पल अगर गवर्नमेंट का टोटल इनकम हंड्रेड लाख करोड़ रुपीज कितना है हंड्रेड लाख करोड़ फॉर एग्जाम्पल ठीक है एंड ट्वेंटी तो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है ठीक है एक्सपेंडिचर माइनस क्या एक्सपेंडिचर माइनस इनकम ठीक है तो ये हंड्रेड लाख करोड़ रुपीज अगर पूरी गवर्नमेंट की इनकम है ठीक है ऑल ऐसा होता नहीं है इट्स अ वेरी हाइपोथेटिकल सिचुएशन तो फिजिकल डिफिसिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी कितनी हो जाएगी ये हमारा इनकम है और ये है एक्सपेंडिचर ठीक है तो फिजिकल डिफिसिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी हंड्रेड सॉरी ट्वेंटी माइनस एक्सपेंडिचर इनकम ठीक है ऑल्दो गवर्नमेंट के केस में ऐसा कभी होता नहीं है सारी गवर्नमेंट्स मोस्ट ऑफ टाइम फिजिकल डेफिसिट में ही रन कर रही होती हैं दे डोंट गो फिजिकल सरप्लस तो यहाँ आ जाएगा हमारा डेफिसिट कितने का है माइनस एट्टी लाख करोड़ रुपीज का डेफिसिट है डेफिसिट का मतलब ही है घाटा या कमी या वी आर वी आर लैकिंग है ना वी आर शॉर्ट ऑफ ये शॉर्ट ऑफ है ना लेकिन जब जब फिजिकल डेफिसिट की वैल्यू पॉजिटिव आती है दैट मीन्स

एक्सपेंडिचर ठीक है तो 80 माइनस हंड्रेड कितना क्या हो जाएगा हमारा ये हमारा फिजिकल डेफिसिट यानी हमें हमारी गवर्नमेंट को फिजिकल डेफिसिट का मतलब क्या है ना इट्स वेरी मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन अब वील बी डीलिंग विद कि कॉन्सेप्चुअली वट इज दिस है ना किसी गवर्नमेंट का या किसी भी कंट्री का किसी इंडिविजुअल का भी डेफिसिट फिजिकल डेफिसिट हो सकता है ठीक है टोटल है ना टोटल टोटल और एक्सपेंडिचर ठीक माइनस टोटल अर्निंग जो होगा वही होगा उसका फिजिकल डेफिसिट ये तो मैथमेटिकली हो गया ठीक है हाउ इज इट गोइंग टू अफेक्ट फिजिकल डेफिसिट मतलब ओके okay, फर्स्ट थिंग इज कि हमारी इनकम हमारी इनकम जो थी वो 80 लाख करोड़ रुपीज ही थी लेकिन हमने 100 लाख रुपीज खर्च कैसे कर दिया गवर्नमेंट टू बोरो फ्रॉम द मार्केट ठीक है मतलब हमने कमाए कम लेकिन खर्च ज्यादा किए प्लस कैसे कर लिए वो लोन लेके किए ठीक है दैट इज वाई हंड्रेड लाख करोड़ में ट्वेंटी एटी लाख करोड़ में अगर ट्वेंटी लाख करोड़ एड करेंगे तो हमारा निकलेगा टोटल इनकम ठीक है तो दैन्स 20 लाख करोड़ हमारी क्या थी बोरोइंग गवर्नमेंट टू इसलिए गवर्नमेंट पे बोरोइंग गवर्नमेंट बोरोइंग करेगी तो क्या करेगी बहुत सारा इंटरेस्ट पेमेंट्स के फॉर्म में पेमेंट करेगी ठीक है तो बोरोइंग कि कि तो तो निकाल लें तो वही हमारा फिजिकल डेफिसिट होगा ठीक है क्यों क्योंकि बाकी तो हमारी इनकम थी और इनकम से जो एक्सेस खर्च किया है वही तो हमारा बोरोइंग फिस्कल डेफिसिट रिप्रेजेंट करेगा है ना तो जो इनकम एक्सेस खर्च किया वो कहा से गवर्नमेंट ने नोट छाप के तो नहीं किया है के क्यों नहीं किया क्योंकि नोट छापना इज इन्फ्लेशनरी थिंग है ना गवर्नमेंट नोट पब्लिश कर दे और बहुत सबको मार्केट में दे दे सबके पास पैसा होगा तो किसी के पास पैसे की कमी होगी नहीं तो पैसे की वैल्यू क्या हो जाएगी बहुत कम हो जाएगी ठीक है तो ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट रिप्रेजेंट नेट बोरोइंग एट होम बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई एंड बोरोइंग फ्रॉम अब्रॉड

दोनों बजट क्या होगा गवर्नमेंट रिसीप रिसीट क्या होती है इनकम सिंपल टर्म्स में रिसीट क्या होती है इनकम और ये होता है एक्सपेंडिचर ठीक है वैसे ही कैपिटल 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 रिसीट्स एक्सपेंडिचर होगा ठीक है ओके okay? अब रेवेन्यू रिसीट्स में टैक्स रेवेन्यू रिसीट्स एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट्स ठीक है टैक्स रेवेन्यू में डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस वी ऑल नो ठीक है तो हम डील करेंगे रेवेन्यू और कैपिटल पहले अब देखो बजट में रिसीट रिसीट अगर हम क्लासिफाई कर लें गवर्नमेंट की टोटल रिसीट्स को क्या कर लें रिसीट्स को ठीक है टोटल अर्निंग्स को बेसिकली ठीक है तो दोनों साइड की जो रिसीट्स हैं वो गवर्नमेंट की अर्निंग शो करती हैं और दो दोनों साइड की जो एक्सपेंडिचर हैं वो गवर्नमेंट के ऑब्वियसली एक्सपेंडिचर शो करता है तो रिसीट में क्या आ गया रेवेन्यू रिसीट दूसरा आ गया कैपिटल रिसीट ठीक है ठीक है कैपिटल रिसीट्स में भी होती हैं एक तो नॉर्मल बोरोइंग्स ठीक है और होता है नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स इन चीजों का एक्सप्लेन करूंगा मैं अभी ठीक है पहले हम देखते हैं कि रेवेन्यू रिसीट्स में क्या क्या आता है रेवेन्यू रिसीट में ये पूरा पोर्शन आएगा और ये पूरा आएगा ठीक है डायरेक्ट टैक्स यानी इनकम टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी और क्या हो गया कस्टम्स है ना और कॉरपोरेशन टैक्स मतलब डायरेक्ट इंडेक्स दोनों बता रहा हूँ कॉर्पोरेशन टैक्स वेल्थ टैक्स है ना गिफ्ट टैक्स ये सारे टैक्सेस क्या है है टैक्स टैक्स क्या होता रेवेन्यू का हिस्सा बनाता है ठीक है नॉन टैक्स रेवेन्यू का हिस्सा क्या है फीस एंड फाइंस ठीक है फीस और फाइन जो गवर्नमेंट इंपोज करती है जैसे आप हेलमेट ना पहन के जा रहे हो वहां पे आपको फाइन भरना पड़ता है वो फाइन जाता है नॉन टैक्स रेवेन्यूज में अकाउंटिंग में फाइन या नेशनल हाईवे पे आप जा रहे हैं तो टोल पे आपको फीस भरनी पड़ती है वो टोल का जो रेवेन्यू होगा वो नॉन टैक्स रेवेन्यू में जाएगा दैट विल नॉट बी टैक्स रेवेन्यू ठीक है ओके okay? फाइन तो अगर हम रिसीट्स को देखें तो गवर्नमेंट की कौन कौन सी रिसीट्स होती हैं ओके रेवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल रिसीट्स में एक फंडामेंटल डिफरेंस है ठीक है Re च डू नॉट क्रिएट एनी एसेट ठीक है ये कोई फिजिकल एसेट नहीं बनाता है रेवेन्यू रिसीड्स कावर्नमेंट की इस अर्निंग से कोई कैपिटल नहीं आ रहा है इट्स इट्स नॉट ड्यू टू कैपिटल क्रिएशन ठीक है नाइदर इट रिड्यूस द लाइबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट ठीक है ऑन द अदर हैंड कैपिटल रिसीड रिसीड्स विच आईदर क्रिएट कैपिट च आर आइदर ड्यू टू फर्स्ट ऑफ ऑल रिडक्शन ऑफ कैपिटल ठीक है रिडक्शन ऑफ कैपिटल इसका एग्जांपल क्या हो सकता है डिस इन्वेस्टमेंट डिस इन्वेस्टमेंट ठीक है और रिडक्शन ऑफ ठीक है रिडक्शन ऑफ एसेट्स सॉरी ठीक है

इन सारी चीजों में गवर्नमेंट को कोई एसेट लॉस तो नहीं हुआ ठीक है ना ही कोई लायबिलिटी क्रिएट हुई लेकिन कैपिटल रिसीट में आइदर देयर शुड बी रिडक्शन ऑफ एसेट्स और देयर शुड बी सम लायबिलिटी लायबिलिटी क्रिएशन लायबिलिटी वी ऑल नो है ना तो एक फंडामेंटल डिफरेंस है रेवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल रिसीट्स में दोनों में क्या डिफरेंस है रेवेन्यू रिसीट्स डू नॉट क्रिएट एनी लॉस ऑफ कैपिटल और एडिशन ऑफ लाइबिलिटी रेवेन्यू रिसीट में ना ही आपकी कोई लाइबिलिटी बढ़ती है government की और ना ही कोई लॉस ऑफ एसेट होता है ठीक है? इसलिए इसको revenue receipt कहते हैं। में आदर तो रिडक्शन ऑफ एसेट होगा और नहीं तो लाइबिलिटी इंक्रीज होगी हम देखो यहां पे डील करेंगे सिंपली रिकवरी ऑफ ठीक है? अब एक इंपॉर्टेंट चीज है अच्छा क्या होगा? रुपीस. ना? अगर बोरो करती है, तो हंड्रेड लाख करोड़ का जो प्रिंसिपल अमाउंट होगा हंड्रेड लाख करोड़ का जो हंड्रेड लाख करोड़ पे अगर सेवन परसेंट इंटर, इंटरनेट इंटरेस्ट पे करेगी गवर्नमेंट ठीक है तो इंटरेस्ट पेमेंट जो होगी वो नहीं क्या हंड्रेड लाख करोड़ का जो एनुअल जो

लाइबिलिटी है हाँ है क्यों क्योंकि प्रोविडेंट फंड लोन्स में तो ना ही लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है क्यों क्योंकि गवर्नमेंट ने जो लोन दिया था है ना? वही लोन वापस लिया है या ना कोई एसेट खत्म हो रहा है तो रिकवरी ऑफ लोन को कैपिटल रिसीट में क्यों डाला है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और डाउट्स बहुत ज्यादा क्रिएट होते हैं इस बारे में कि रिकवरी ऑफ लोन तो गवर्नमेंट अपना लोन जो किसी को दी थी वही रिकवर कर रही है तो फिर व्हाई इज इट अंडर देखो कैपिटल रिसीट का क्या फंडामेंटल फॉर्मूला है कैपिटल रिसीट्स जो होंगी दे विल आइदर फर्स्ट ऑफ ऑल रिडक्शन इन एसेट्स ठीक है रिडक्शन इन एसेट ओके ओके आई 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 सजेस्ट यू शुड नोट इट डाउन है ना रिडक्शन इन एसेट या दूसरा इंक्रीज ऑफ लाइबिलिटी ठीक है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस कैपिटल एंड रेवेन्यू रिसीट्स फ्रॉम इकोनॉमी ठीक है जीएस के पोर्शन में भी बहुत इंपॉर्टेंट है तो अब हमने क्या किया कि बोरोइंग्स अगर गवर्नमेंट करती है गवर्नमेंट कोई लोन लेती है तो वो ऑब्वियसली किस में आएगी कैपिटल रिसीट में आएगा उस लोन का

लोन्स ठीक है बिकॉज अगर हम बेसिक बैलेंस शीट के कॉन्सेप्ट्स को देखें है ना अगर किसी भी बैंक का लोन्स को हम क्या करते हैं लोन सॉरी एसेट और लायबिलिटी, ठीक है ओके okay, यहां पे गोल्ड है ये बैलेंस शीट का बेसिक एग्जांपल है है ना, गोल्ड है और क्या है लोन्स है ठीक है सिक्योरिटीज है ठीक है और क्या हो जाएगा ठीक है इतना ही चीज है गोल्ड उसका एसेट होगा कि लाइबिलिटी होगी एसेट है क्यों क्योंकि गोल्ड इज हेल्ड बाय द फर्म तो दे डोंट हैव टू पे पे टू समवन एल्स लोन्स जो इस बैंक ने लोन दूसरों को दे रखे हैं वो एसेट होगा कि लाइबिलिटी होगा ऑब्वियसली इसका एसेट है सिक्योरिटीज एसेट है बोरोइंग्स Borrowings क्या है लाइबिलिटी है क्यों क्योंकि इट हैज टू बी पेड बैक ठीक है तो हम क्या करते हैं रिकवरी ऑफ लोन जब हमारा लोन रिकवर हो जाएगा तो ये लोन हमारी अकाउंट बुक से खत्म हो गया ना इसलिए लॉस ऑफ एसेट हो रहा है इसलिए हम क्या करते हैं रिकवरी ऑफ लोन को कैपिटल रिसीट में रखते हैं ठीक है अंडरस्टूड